चलिए तो बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। जैसे पहला क्वेश्चन है, अच्छा मैंने टेस्ट क्रॉस के बाद कुछ पॉइंट लिखवाए थे आपको, 2 पॉइंट लिखवाने थे मुझे, नहीं लिखवाए थे ना, पहले वो पॉइंट लिख लो नोट करके। टेस्ट क्रॉस के नीचे हम एक पॉइंट, ये 2 पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखें, इन ए टेस्ट क्रॉस इन ए टेस्ट क्रॉस द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो आर ऑलवेज सेम आर ऑलवेज सेम। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखें इसके बाद। सेकेंड पॉइंट ये कहता है, एवरी टेस्ट क्रॉस इज ए बैक क्रॉस इज ए बैक क्रॉस बट एवरी बैक क्रॉस इज नॉट ए टेस्ट क्रॉस। रीजन आप जानते हैं, क्योंकि वो आउट क्रॉस, ये हमने उसके लिए लिखवाया था पहले, आउट क्रॉस के लिए लिखवाया था। यहाँ पर ये दोनों पॉइंट टेस्ट क्रॉस के लिए लिखवाए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखो, आज का ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन प्लांट विद जेनेटिक कॉम्पोजिशन विद जेनेटिक कॉम्पोजिशन। ओए अनु, अपने माइक को म्यूट रखें। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। वॉज क्रॉस्ड विद अनदर प्लांट विद जेनेटिक कॉम्पोजिशन स्मॉल ए कैपिटल बी ठीक है। फिर कहता है आपसे, देन व्हाट कुड बी द रेशियो ऑफ फॉलोइंग प्रोजेनीज, इनके जीनोटाइप का या इन प्रोजेनीज का रेशियो बताना है। किसका बताना है देखो ध्यान से, कैपिटल ए स्मॉल ए रेशियो ये हमें बताना है। ठीक है, रेशियो क्या आएगा, तो हम ये लेके चलते हैं जो उसने दिया है, एक तो ये और एक ये, इसको हम क्रॉस करा रहे हैं इन दोनों को, तो हमारे पास क्या रेशियो इनका कितना आएगा वो हमें बताना है, तो ये हमें बताना है। देखिए तो पहले लेके चलते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, एक तो ये दिया है हमें,
एक दिया है स्मॉल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी। अब गैमेट बनाए सबसे पहले, जब गैमेट फॉर्मेशन होगी इससे गैमेट बनेंगे चार तरह के, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, और इससे गैमेट एक ही तरह का बनेगा, कैपिटल ए सॉरी स्मॉल ए कैपिटल बी। अब इसे क्रॉस करा दो, इसको जब इससे क्रॉस कराओगे तो आएगा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। इस वाले को फिर जब इससे क्रॉस कराओगे तो आएगा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। जब इसको इससे क्रॉस कराओगे तो आएगा स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। जब इसको इससे क्रॉस कराओगे तो आएगा स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, अब एक बार जरा देख लें कौन कौन से आ गए हमारे पास। देखिए ये कितने आए हैं, वन, ये हो गया वन। ये वाले कितने हैं, वन, ये रहा। ये वाले कितने हैं, वन, और ये वाले कितने हैं, ये वाले, ये तो जीरो है। तो रेशियो क्या हो गया इसका, रेशियो हो गया 1:1:1:0। ये आपका आंसर, नोट करें इसको। ऑल डन, समझ में आ गया सभी को ये कैसे हुआ। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं फिर। ये नोट कर लिया होगा आप सभी ने, एक क्वेश्चन और करते हैं अब। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड देखिए, इसमें कह रहा है अ प्लांट विद जेनेटिक कॉम्पोजिशन, अ प्लांट विद जेनेटिक कॉम्पोजिशन कैपिटल पी स्मॉल पी स्मॉल कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू, कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल क्यू वाज क्रॉस्ड विद, वाज क्रॉस्ड विद अनदर प्लांट, अनदर प्लांट विद जेनेटिक कॉम्पोजिशन, विद जेनेटिक कॉम्पोजिशन स्मॉल पी कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू। देन व्हाट कुड बी द रेशियो ऑफ, फॉलोइंग प्रोजेनीज, क्या रेशियो होगा प्रोजेनी का, किसका पूछ रहा है, देखो इनका कैपिटल पी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू रेशियो, कैपिटल पी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू रेशियो, स्मॉल पी कैपिटल क्यू रेशियो, स्मॉल पी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ये हमें बताना है। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम एक बार। एक तो ये पेरेंट्स है और एक ये है, इनको क्रॉस कराया गया। कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू, इसको क्रॉस करा रहे हैं किससे? और एक मिनट रुकिए, कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल क्यू इसको क्रॉस करा रहे हैं हम स्मॉल पी कैपिटल क्यू से। तो सबसे पहले आप गैमेट बनाएं, इससे दो तरह के गैमेट बनेंगे, देखो कैसे। कैपिटल पी कैपिटल क्यू और स्मॉल पी कैपिटल क्यू, और इससे एक ही तरह गैमेट आएगा और वो कौन सा होगा? वो होगा स्मॉल पी अच्छा एक मिनट, इसमें ना ये वाला पेरेंट्स चेंज, ये हमने कैपिटल क्यू लिख दिया है ना, ये रहेगा स्मॉल पी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ये है। सेकंड वाला पेरेंट जो है यहाँ पर कैपिटल क्यू की जगह स्मॉल क्यू है। तो अब इसमें भी दो तरह के गैमेट बनेंगे, कौन कौन से? स्मॉल पी कैपिटल क्यू, स्मॉल पी स्मॉल क्यू। अब देखते हैं क्रॉस करा के क्या रिजल्ट आता है। देखिए, जब ये इससे क्रॉस करेगा, मतलब ये वाला इससे क्रॉस करेगा, तो हमारे पास आएगा कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल क्यू। फिर ये वाला जब इससे क्रॉस करेगा, तो हमारे पास आएगा कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ठीक है। अब देखो, अब जो ये है, जब ये इससे क्रॉस करेगा तो आएगा स्मॉल पी कैपिटल क्यू, और ये जब इससे क्रॉस करेगा तो आएगा स्मॉल पी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ठीक है। अब देखो क्या पूछा गया है हमसे। एक तो हमसे पूछा है इन्होंने कि कैपिटल पी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कितने आ रहे हैं, तो वो तो एक भी नहीं आ रहा, तो ये वाला हो जाएगा जीरो। कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल क्यू कितने आ रहे हैं? एक आ रहा है, तो ये हो जाएगा वन। स्मॉल पी कैपिटल क्यू कितने आ रहे हैं? ये भी एक आ रहा है, तो ये हो जाएगा वन। और स्मॉल पी कैपिटल क्यू कितने आ रहे हैं? ये भी आ रहा है वन, तो ये हो गया। तो इसका रेशियो हो गया 0:1:1:1, ठीक है। नोट कर लें इसको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए भाई, ऑल डन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखो क्या कहता है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन कैपिटल एम स्मॉल एम कैपिटल एन स्मॉल एन क्रॉस्ड विद जेनेटिक कॉम्पोजिशन कैपिटल एम स्मॉल एम कैपिटल एन, तो क्या करना है हमें? देन
वट कुड बी द रेशियो ऑफ प्रोजेनीज, और वो प्रोजेनी है कैपिटल एम कैपिटल एम कैपिटल एन कैपिटल एन, कितने होंगे? रेशियो कैपिटल एम कैपिटल एन स्मॉल एन, रेशियो स्मॉल एम कैपिटल एन स्मॉल एन, रेशियो स्मॉल एम स्मॉल एन स्मॉल एन, ये हमें बताना है। तो बता सकते हैं इसका आंसर, आप लोग कर सकते हैं, करके बताएं फटाफट। यस सर, बताएं फटाफट क्या आएगा। कर रहे हैं सर, अभी बताएंगे, तुरंत करें इसको। कैसे हुआ, कैसे हुआ ये देखिए, इसमें आपके पास दो हाइब्रिड हैं, तो चार ट्राइगैमेट बना दो आप, कैसे कैसे बनेंगे? कैपिटल एम कैपिटल एन कैपिटल एम स्मॉल एन स्मॉल एम कैपिटल एन स्मॉल एम स्मॉल एन, ये बन गया। इधर से एक ही हाइब्रिड है तो दो तरह गैमेट बनाओ, कैपिटल एम कैपिटल एन स्मॉल एम और कैपिटल एन, यही बनेंगे। अब इन्हें क्रॉस करा दो, इस वाले को इस वाले से क्रॉस कराओ, क्या आएगा? ये आएगा कैपिटल एम कैपिटल एन, फिर इस वाले को इससे क्रॉस कराओ तो आएगा कैपिटल एम कैपिटल एन स्मॉल एन, फिर इस वाले को इससे क्रॉस कराओ तो आएगा कैपिटल एम स्मॉल एम कैपिटल एन, फिर इस वाले को इससे क्रॉस कराओगे तो आपके पास आएगा क्या? कैपिटल एम स्मॉल एम कैपिटल एन स्मॉल एन, ठीक है, ये आ गए। अब इससे भी तो क्रॉस कराओगे इन चारों को, तो इससे भी क्रॉस कराएं। अब देखो इस वाले को पहले इससे क्रॉस कराएंगे तो आएगा कैपिटल एम स्मॉल एम कैपिटल एन, फिर इस वाले को क्रॉस कराएंगे इससे तो आएगा कैपिटल एन स्मॉल एन, फिर इसको क्रॉस कराएंगे जब थर्ड वाले को इसके साथ तो आएगा स्मॉल एम कैपिटल एन, फिर इस फोर्थ वाले को क्रॉस कराएंगे इसके साथ में तो ये आएगा स्मॉल एम कैपिटल एन स्मॉल एन। अब जो रेशो पूछे हैं वो आप बता सकते हैं, देखो क्या पूछा है, पहले पहले कह रहा है ये बताओ कैपिटल एम कैपिटल एन कितने हैं, तो एक तो ये रहा, ठीक है, ये नहीं है, ये भी 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 नहीं है, कितना है ये? वन, एक। कैपिटल एम स्मॉल एम कैपिटल एन स्मॉल एन ये कितने हैं, देखो ढूंढो इसको, देखो एक तो ये रहा, ठीक है, और दूसरा ये रहा, तो ये कितने हैं? दो। ये वाले कितने हैं? दोनों स्मॉल एम और एक कैपिटल स्मॉल एन, तो ये कितने हैं? देखो एक ये रहा, है ना, और तो कोई नहीं है, तो इसका हो जाएगा वन। और दोनों चारों स्मॉल हो वो कितने हैं? वो एक भी नहीं है, चारों स्मॉल तो एक भी नहीं दिख रहा, इसलिए वो हो जाएगा जीरो। तो रेशियो हो गया वन रेशियो टू रेशियो वन रेशियो जीरो, क्लियर है ये? इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आप इसको कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। इसमें कह रहा है आपसे जेनेटिक कॉम्बिनेशन कैपिटल एक्स कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस्ड विद
कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स कैपिटल वाई स्मॉल, इससे क्रॉस करा दिया इसको। अब बताओ प्रोजेनीज, प्रोजेनीज रेशियो बताना है आपको, और प्रोजेनी पूछ रहा है कौन सी, कैपिटल एक्स कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई स्मॉल स्मॉल एक्स कैपिटल स्मॉल वाई स्मॉल वाई, बताओ इसका आंसर कितना होगा, बिना क्रॉस के बता सकते हो आप ये। बोलिए बता सकते हो बिना क्रॉस के। इसका आंसर रहेगा 1 4 1। डाई हाइब्रिड क्रॉस देखो ये बिल्कुल वही तो है, और आपको पता है डाई हाइब्रिड क्रॉस में जिसमें चारों डोमिनेंट हो ऐसा एक आता है तो 1 हो गया, जिसमें चारों रिसेसिव हो ऐसा भी एक आता है तो ये 1 हो गया, जिसमें एक डोमिनेंट दोनों के अंदर और एक रिसेसिव हो हाइब्रिड वाला, ये 4 आते हैं। ये तो हमने वहीं क्रॉस करा तभी पढ़ लिया था, और आप चाहो तो क्रॉस करके देख सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1:4:1। ठीक है सर, तो ये हमने क्वेश्चंस कंप्लीट करे। ऐसे क्वेश्चन अगर हमारे पास आते हैं तो क्रॉस के ऊपर हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे अभी। अब हम आगे बढ़ते हैं, और जो तीसरा पार्ट है इसका, थर्ड जो एरा है वो है पोस्ट मेंडलिज्म। पहला था प्री मेंडलिज्म, फिर आया मेंडलिज्म, और फिर आता है पोस्ट मेंडलिज्म। तो अब हम पोस्ट मेंडलिज्म को स्टार्ट करते हैं। तो सर एक बार जो सबसे पहले क्वेश्चन कराया था वो निकालना। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके सर, कराओ आगे। चलिए तो बात करते हैं पोस्ट मेंडलिज्म की। पोस्ट मेंडलिज्म देखिए, पोस्ट मेंडलिज्म का मतलब क्या है, मेंडल के बाद, मेंडल जब, मेंडल की डेथ हो गई, मेंडल के बाद कई साइंटिस्टों ने जेनेटिक्स पर वर्क किया, और उस सारे वर्क को जब उन्होंने किया तो उसके बाद उन्होंने ये पाया कि सारे ऑर्गेनिज्म मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करते, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो मेंडल के लॉ को अपोज कर रहे हैं, कुछ अलग रिजल्ट शो कर रहे हैं मेंडल से। इस सारे काम को मिला के पोस्ट मेंडलिज्म बोला गया, या एक्सेप्शन टू मेंडेलियन लॉ, या फिर डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन लॉ बोला गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं मैनी साइंटिस्ट worked on genetics, after Mendel, on different organism, organism and found that all organism did not follow
did not follow Mendelian Mendelian laws और मेंडेलियन रेशियो, इसको फॉलो नहीं करते सर, मेंडेलियन रेशियो तब इसे फॉलो नहीं कर रहे और इस सारे काम को क्या बोला गया, द वर्क ऑफ ऑल दीज साइंटिस्ट are together referred as post Mendelism, इसे बोला गया post Mendelism या एक्सेप्शन टू मेंडेलियन लॉ या फिर डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन लॉ, ये बोला गया उसको। तो इसमें हमारे पास दो मेन डेविएशन आएंगे, वैसे और भी हैं, दो मेन हैं जो हमें पढ़ने हैं, तो हम इसमें कई सारे डेविएशन को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। तो फर्स्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, नंबर वन इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी है, इसकी डिस्कवरी करी थी कार्ल कोरेंस ने एक फ्लावर के कलर के अंदर, उस फ्लावर का नाम है मिराबिलिस जेल्पा या 4 o'clock प्लांट, जिसे गुलवंशी भी बोलते हैं। तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल कोरेंस ऑन, इस पे क्या डिस्कवर, तो फ्लावर कलर पे किया था इस प्लांट का, मिराबिलिस जेल्पा, जिसे बोलते हैं 4 o'clock प्लांट, या हिंदी में आप इसे गुलबंसी भी बोल सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में जो डोमिनेंट एलील होता है वो अपने आप को 100% एक्सप्रेस नहीं कर पाता रिसेसिव वाले के साथ, यानी कि F1 जनरेशन में डोमिनेंट एलील का जो प्रोडक्ट है वो रिसेसिव वाले के साथ मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने की वजह से एक इंटरमीडिएट रिजल्ट शो करता है, एक इंटरमीडिएट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं इन दिस इनहेरिटेंस द डोमिनेंट एलील is not able to express itself 100% with recessive allele, ठीक है। recessive allele के साथ रहेगा तो पूरी तरह से अपने आप को express नहीं कर पाएगा, तो होगा क्या, जो प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट, जीन का प्रोडक्ट हमेशा याद रखिएगा प्रोटीन होता है, द प्रोडक्ट ऑफ डोमिनेंट एलील
the product of dominant allele get mixed with product of recessive allele to produce an intermediate in F1 generation. इसमें F1 generation में intermediate आ जाता है, ठीक है? तो ये बात हुई incomplete dominancy की। अब हम इसको कुछ example से समझेंगे। incomplete dominancy के लिए अब हम कुछ example लेके चलते हैं और उन example की help से इसको समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं कौन कौन से हैं इसमें। इसमें एग्जाम्पल की यदि बात करें तो इसमें पहला एग्जाम्पल है फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जेल्पा। और पता है आपको कि इसको बोलते हैं हम 4 o'clock प्लांट। दूसरा है फ्लावर कलर इन एंटी रिनम मेजस, ठीक है, जिसे बोलते हैं